एक रोमांचक मुकाबले में सीएसके ने दिल्ली कैपिटल को 27 रनों से हराकर प्लेऑफ की तरफ कदम बढ़ा दिए। धोनी ने सिर्फ 9 बॉलों में 2 छक्के के साथ तेज तर्रार 20 रन की पारी खेली तथा उन्होंने ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। क्या कहा, ये सारी बातें बताएंगे, पहले मैच की समरी जान लें। चेपक का पिच धीमा और टर्निंग होता है, इस पर रन बनाना बेहद मुश्किल होता है। सीएसके ने शिवम दुबे के 25 रन, गायकवाड़ के 24, रायडू के 23 रनों की बदौलत 167 रनों की कुल स्कोर खड़ा किया, जबकि दिल्ली के अरोरा साव के 35 रन, मनीष पांडे के 27 रन तथा अक्षर पटेल के 21 रनों के बदौलत 140 रन ही बना पाई तथा 27 रनों से मैच हार गई। मैच जीतने के बाद धोनी ने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इस सीजन में मेरा रोल साफ है, मैं नीचे आऊं और जितने बाल मिले उस पे बड़े हिट लगाऊं। हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि साथी खिलाड़ी मुझे ज़्यादा दौड़ाए। जबकि अक्षर पटेल ने मैच के बाद धोनी को झुककर पैर छुआ तथा कहा कि जब धोनी जैसा खिलाड़ी विकेट के पीछे खड़ा हो तो जीतना मुश्किल होता है, हम जो सोचते हैं उसकी काट माही भाई पहले ही सोच लेते हैं।